बहुत सारी तालियां जी, घंटे ने 50 मार दी। वाह 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 वाह, मतलब तुम्हारी सोच पे लानत है, शर्म आनी चाहिए तुम लोग को भाई। एक घंटे ने बाबर आजम ने पेशावर जर्मी का आज मैच है उसने 50 क्या मार दी। यहाँ पर मेरा पूरा यूट्यूब का चैनल तुम लोगों ने मतलब हैंग कर दिया ये बोल बोल के। अबे मेरे प्यारे पाकिस्तानी हो, मेरे प्यारे जान के टुकड़ो, तुम लोग को कैसे समझाऊं मेरे कूचू मूचू, मेरे प्यारे ये जिस पिच के ऊपर बाबर ने 50 मारी है, अगर इस पिच के ऊपर तुम रोहित शर्मा को खड़ा कर दो वो T20 में 300 मार दे। जैसी पिच है ना ये रावलपिंडी का हाईवे जिसको तुम लोग, साला इस पिच के ऊपर सायम अयूब 12 बॉलों में 30 करके चला गया भाई, और तुम लोग कहते हो बॉब जी द किंग ने 50 मार दिए। जी आपने वीडियो नहीं बनाई, अब बनाओ ना वीडियो, ये देखो वो देखो। खैर जो आज यहाँ पर हमारे शुभमन गिल ने धोया है इंग्लैंड को, रोहित शर्मा ने जो धोया है, तुम लोगों ने वो मैच नहीं देखा ना। अबे बहन के भाइयों, तुम लोगों से कितनी बार बोला कि ये तुम लोग चुतियापा देखना छोड़ो, देखना ये तुम लोग को एंटरटेनमेंट चाहिए ना। PSL के एक मैच से ज्यादा छक्के इंडिया टेस्ट मैच में लगा रहे हैं, जाके वो टेस्ट मैच देख लो। लेकिन खैर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाओ ताकि आपको मजीद भी इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल पर देखने को मिलते रहें। आज यहाँ पर सबसे पहले दिन तो भाई मैच था इंडिया का और इंग्लैंड का, दूसरा दिन बहुत ही शानदार गुजरा है, बहुत ही लाजवाब गुजरा है। और जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे शुभमन गिल को और अपना रोहित शर्मा को, यानी कि हमारे रोहित भाई और हमारे जो है वो खूबसूरत से गिल साहब, इनको जो है क्रिटिसाइज कर रहे थे, इनके खिलाफ बातें कर रहे थे कि भाई ये तो टेस्ट के स्क्वाड में फिट ही नहीं होते हैं, इनको तो आप टेस्ट, मतलब ये मेरे प्यारे पाकिस्तानी हैं घंटे आजम के फैंस जो कि इस तरह के बार बार मुझे कॉमेंट करते हैं जब भी मैं किसी की वीडियो बनाता हूँ, तो ये कहते हैं भाई ये तो फिट ही नहीं होते, आप क्यों जबरदस्ती इनको सपोर्ट करते हो, क्यों जबरदस्ती इनकी बात करते हो। तो एक काम करो, फिट नहीं होते ना यहां पर, घर ले जाओ और सुला दो अपने घर में, रोहित को भी गिल को भी, नहीं तुम्हें पता चलेगा कि भाई वो फिट होते नहीं होते, क्योंकि तुम लोगों ने इनकी परफॉर्मेंस बेटा आज तुम लोग आज देख रहे हो क्रिकेट, अगर तुम लोगों ने देखी होती ना 2010 में, 2010 के बाद या 2011 के बाद, यानी कि रोहित शर्मा को 2016 के पीरियड तक, वो जो 4 साल रोहित शर्मा मतलब जो चीज था ना भाई, तुम लोग तो साला यहाँ पर नकली में ये सारे किंग वगैरह लेके आते हो। उस टाइम पर अगर कोई लीथल बैट्समैन था जिससे पूरी दुनिया डरती थी वो था रोहित शर्मा, जिसके लिए ODIs में 100 बनाना भाई एक जोक बन गया था, एक मजाक बन गया था, वो मजाक मजाक में 100 मार देता था बड़ी बड़ी टीमों को। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 100, जिस बॉलिंग लाइन के अगेंस्ट घंटा आजम जो है वो बिल्कुल लुल हो गए, 150 नहीं बनाई टेस्ट के अंदर, उस बॉलिंग उससे ज्यादा अच्छी उस टाइम पे तो भाई मिचेल जॉनसन, मिचेल स्टार्क, पता नहीं कौन कौन से उस टाइम पे बॉलर हुआ करते थे, और उन सबको रोहित शर्मा ने बच्चों की तरह जो है रपेट रपेट के मारा है। इतना गंदी हालत कर दी थी ना ऑस्ट्रेलिया की इस बंदे ने, 209 रन बनाए थे, मुझे आज भी वो मैच बड़े अच्छे तरीके से याद है जब रोहित शर्मा ने यहाँ पर 100 स्कोर की थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। वैसे तो उसने श्रीलंका की भी मां बहन की हुई है, वैसे तो उसने बाकी टीम्स के वो भी धोया हुआ है बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन जो स्पेशल प्यार उसका ऑस्ट्रेलिया के साथ है ना वो आप लोग ने अभी देखा नहीं है। या आजकल के जो घंटे के फैंस है जो कि बाबर आजम को अपना बाप बनाकर बैठे हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, तुम लोगों ने रोहित शर्मा की असलियत नहीं देखी है। मैं देख के बैठा हूं, मैं 2009 से क्रिकेट देख रहा हूं और मैंने अपनी जिंदगी में कोई सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव क्रिकेटर देखा है जो कि अगर पिच के ऊपर खड़ा हो जाए ना भाई, ये बात तो रोहित शर्मा ने खुद भी बोली है कि मैं मुझे पहले 10 ओवर में आउट कर सकते हो तो कर लो। रोहित शर्मा का पहले ये वाला एक स्टेटमेंट आया था कि मुझे पहले 10 ओवर में आउट करना हो तो कर लो, बाद में मैं अपनी गलती से आउट होऊंगा, बॉलर का काम नहीं है मेरे को आउट करना। और हमने ये चीज कितनी बार देखी कि वंस अगर रोहित शर्मा स्टार्ट हो जाए भाई उनको रोकना मुश्किल नहीं इम्पॉसिबल हो जाता है। और आज यहाँ पर जो है इंग्लैंड की टीम को जिस तरीके से धोया है, 103 रन बनाए हैं, तुम लोग को मजाक लग रहा है, तुम लोग को जोक लग रहा है ये 103 रन? 103 रन में 3 छक्के भी थे शामिल। कौन सा पाकिस्तानी क्रिकेटर है आजकल का जो कि 100 करता है टेस्ट क्रिकेट में तो उसके अंदर कोई छक्का भी शामिल होता है? एक का छक्का किस्मत से आ जाए तो आ जाए, जबकि यहां पर जायसवाल ने 57 किए उसने 3 छक्के मारे, शुभमन गिल ने 100 किया उसने 5 छक्के मारे, यहां पर हमारे खूबसूरत से रोहित शर्मा ने 100 किया 3 छक्के मारे, देवदत्त पडिकाल ने 1 छक्का मारा, छक्के के साथ अपनी 50 कंप्लीट की। भाई तुम लोग समझ के आ रहे हो बात को, इंडिया की क्रिकेट जो है ना वो बहुत ज्यादा टॉप पे चली गई। हम ये घंटे आजम को PSL में देख देख कर हमारी जो है आवाम को पता नहीं हो क्या गया कि भाई ये किंग है किंग है किंग। अबे किस चीज का किंग है, तुम्हारा दिमाग विमाग खराब तो नहीं हो गया है तुम लोग? अभी तो मैंने विराट कोहली की बातें नहीं शुरू कर दी बे। तुम लोग मुझे एक बात बताओ, जो तुम लोग कहते हो ना कि विराट कोहली ने आज तक क्या किया, विराट कोहली ने क्या किया, बेटा एक काम करो इस तस्वीर को थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, इस तस्वीर को याद करने की कोशिश करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा कि विराट कोहली ने क्या किया है। हाँ अगर ऐसी कोई भी तस्वीर आपके पास पड़ी है कि हम अगर पूछते हैं बाबर ने क्या किया तो मुझे बता देना, मुझे वो तस्वीर दिखा देना कि भाई बाबर ने ये किया। अबे बाबर घंटा है फ्लैट पिच रावलपिंडी के ऊपर उसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो है 100 स्कोर किया थी, तुम लोग को लग रहा है कि वो 100 स्कोर करने वाला मास्टर है? अबे ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया को इंडिया में, हर जगह पर रोहित शर्मा ने धोया है, विराट कोहली ने धोया है,
यहाँ पर बाबर आजम साहब रावलपिंडी की पिच के ऊपर, जो कि हाईवे है, हम नहीं कहते हैं, पाकिस्तान के अपने कमेंटेटर्स, पाकिस्तान की अपनी पब्लिक, पाकिस्तान के अपने लोग कहते हैं कि ये सरफेस हाईवे है, हाईवे, इस पे रन बनाने का कोई फायदा नहीं है भाई। इसके ऊपर अगर तुम रोहित शर्मा को खड़ा करो, वो T20 में 300 मार दे, इतना खतरनाक बैट्समैन है वो, तुम लोगों ने समझा क्या हुआ है उसको? आज यहाँ पर बाबर ने एक 50 क्या मार दी भाई, 50 मार दी भाई, 30 बोलो में बहुत सारी तालियां भाई, बाबर घंटे ने 50 मार दी, वाह वाह वाह, ये 50 मारी है बाबर आजम ने, मेरी 50 मार दी, अबे 50 मारी है, उसको बोलो घर ले जाओ बाबर आजम को भाई, तुम लोग अगर 50 मारी मेरे को क्यों बार बार तुम लोग टैग कर रहे हो और बातें कर रहे हो? खैर तुम लोग करते हो तो भाई मेरा भी दिल करता है, फिर मैं जवाब देता हूं, तो फिर तुम लोग ये नहीं बोला करो कि भाई गालियां ना दो और गुस्सा ना किया करो, ये ना किया करो, वो ना किया करो। बेटा मैं घुस जाता हूं फिर, मेरी बड़ी गंदी आदत है, मैं फिर घुस जाता हूँ सीरियसली अगर मेरे से कोई पंगा लेता है तो, और स्पेशली अगर कोई बंदा फैक्ट से हट कर बात करता है, जैसे कि रोहित के खिलाफ बात करे या टीम इंडिया के खिलाफ या फिर विराट कोहली के खिलाफ। तुम लोग जानते नहीं हो भाई कि इंडियन क्रिकेट टीम को, तुम लोगों ने साले ये पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस जो है मेरे प्यारे भाई हैं, वैसे मैं बड़ा प्यार करता हूं इनसे, हैं मेरे भाई हैं ये, एज अ पाकिस्तानी मुझे भी दुख होता है जब इन लोग को दुख होता है तो, लेकिन मैं तुम लोग साल के क्रिकेट खाए, तुम लोगों ने सिर्फ पाकिस्तान प्लेयर्स को देखा है परफॉर्म करते हुए, तुम लोगों ने असल क्रिकेट देखी नहीं है, कि असल क्रिकेट है क्या? रोहित शर्मा की बैटिंग नहीं देखी तुम लोगों ने, विराट कोहली की बैटिंग नहीं देखी, तुमको लग रहा है कि सबसे बड़ा बैट्समैन जो है वो हमारा घंटा आजम है, बाबर आजम है, क्योंकि तुम लोग उसी की बैटिंग देखते हो, तुम लोग को पता ही है कि बैटिंग का हाईएस्ट स्टैंडर्ड यही होता है। अबे तुम लोग ये PSL VSL ये पाकिस्तान शेमफुल लीग, ये फटा शलवार लीग, ये सब कुछ देखना छोड़ो, तुम लोग टेस्ट क्रिकेट देखो, तुम लोग इंडिया के मैचेस देखो। तुम्हें एग्जाम में दावा बिल्कुल करता था, मैं भी जब यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक बहुत बड़ा फैन बना खड़ा था ना, उस टाइम पर मैं भी यही बातें करता था कि भाई पाकिस्तान टीम तो सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी है। लेकिन मेरा आज जब मैं क्रिकेट को देख रहा हूँ इंडिया की, तो भाई मुझे पता चला कि मैं साला कितना अजीब दिमाग हिला हुआ था मेरा, कि मैं पाकिस्तान की क्रिकेट को सबसे अच्छी क्रिकेट बोलता था। शर्म आती है अब ये सोचते हुए कि मैं कभी बाबर आजम का फैन था, कभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फैन था। मैंने 2022 से जब इस बंदे ने धोया था ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, 2022 में 8 बोलों में 28 चाहिए थे, जब इस बंदे ने धोया था, मैंने तब से इंडिया की क्रिकेट देखना शुरू किया, कि मैं जो क्या अपना दिमाग खराब करेंगे पाकिस्तान के क्रिकेट को देख देख कर, है कब तक है भैया पाकिस्तान क्रिकेट को? दिल में दुख होता है भाई, दर्द होता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, पाकिस्तान वैसे ही अगर कोई जीतती भी है तो हार्ट अटैक दिलवा के जीतती है। और इंडिया की टीम से देखो अभी कंसिस्टेंसी देखो यार, तुम किसी टेस्ट को 5वें दिन पे जाने तक नहीं दिया, हर टेस्ट में बढ़िया परफॉर्मेंस, हर टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस, हर टेस्ट में परफॉर्मेंस, और हर टेस्ट 4 दिन के अंदर खत्म किया भाई। ये तुम लोग जानते नहीं हो इंडियन टीम को, ये रोहित शर्मा तुम लोग आज देख रहे हो जो कि कभी सेंचुरी मार रहा है T20 में, कभी वनडे में मार रहा है, कभी टेस्ट में मार रहा है, अबे मार तो रहा है। बाबर की इंटरनेशनल में लास्ट 100 कब आई थी मुझे बताना जरा याद करके, मुझसे कसम उठवा लो, मुझे याद नहीं है कि बाबर ने इंटरनेशनल में आखिरी 100 कब की थी। और ये बाबर आजम ये T20s में 100 कर रहा है, अभी LPL में 100 की थी मेरे ख्याल से, कोई इधर हमारे इधर PSL में भी कोई 100 की है, तो भाई लीगों में 100 कर रहा है भाई, ठीक है भाई, इसको लीगों का किंग बना दो, इसको लीगों का चैंपियन बना दो, कि हमारा तो बॉब जी द किंग है, हमारा तो बॉब जी द लिंड बहुत बड़ा है, हमारा किंग भाई बना, किंग समझते हो तो फिर बिछवाड़े में ले लो ऐसे किंग को, हमें तो नहीं चाहिए ऐसा किंग, हमें किंग चाहिए जो मुश्किल टीम, जब टीम को जरूरत हो तब सेंचुरी करे, जब टीम की नीड हो तब सेंचुरी करे, जब टीम को 200 की जरूरत हो 200 करे, जब टीम को जरूरत हो कि आज जिस तरीके से शुभमन गिल ने 100 किया तब 100 करे, हमें ऐसे किंग चाहिए, हमें ये घंटे वंटे नहीं चाहिए भाई, हमें ये बाबजी द किंग, पता नहीं कौन से तुम लोगों ने किंग लिया हुआ है कि भाई बाबजी द किंग, बाबजी द किंग, दिमाग खराब करके रखा है तुम लोगों ने बाबजी द किंग। ये बाबजी द किंग ये टाइटल किसने, हसन अली ने दिया था ना, दिल तो करते हथौड़ी से मैं उसकी नाक तोड़ूं जिसने ये टाइटल दिया कि बाबजी द किंग। अलग किंग का नाम तुम लोग, किंग का टाइटल खराब कर रहे हो। इस दुनिया में किंग का टाइटल सिर्फ एक बंदे के सर पे जाता है, वो है विराट कोहली, वो है विराट कोहली, क्योंकि इस बंदे के काम आप उठा के देखो। मैं कहूंगा जब विराट कोहली का बेटा बड़ा होगा अकाए और उसको पता चलेगा कि उसके बाप ने मुल्क के लिए क्या क्या किया है, तो भाई कसम से उसका नसीब होगा कि भाई मैं पैदा कैसे हो गया इस इतने अच्छे घर में। वो अपना दिमाग उस वो बोलेगा शायद दुनिया का सबसे लकी इंसान ही मैं हूं, क्योंकि मैं विराट के घर में पैदा हुआ हूं। पता नहीं अकाए कोहली कुछ बने या ना बने, लेकिन जो विराट कोहली ने कर दिया ना भाई, मजाक के अलावा उसका बेटा सीना चौड़ा करके घूमेगा भाई। अभी भले वो 6-7 या दिन का है या फिर महीने का है, जितने का भी है, लेकिन जब भी वो चलेगा ना यूं सीना चौड़ा करके चलेगा, क्योंकि उसके बाप ने वाकई में मुल्क के लिए इतना काम किया है। हमारे घंटे ने ऐसा कौन सा काम किया कि भाई हम घंटे को बोले कि सीना चौड़ा करके जो है तुम चलो, तुम बड़े बहादुर इंसान हो, तुमने पाकिस्तान के लिए बड़ी जद्दोजहद की है, पाकिस्तान को तुम लोगों ने जितवाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी, मेरा घंटा दांव पे लगा दिया तुम लोगों ने। ये पाकिस्तान के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं बाबर आजम साहब, बॉबजी द किंग, अबे सिलिकॉन का किंग है ये, इसको तुम लोगों ने बॉबजी द किंग, ये इसको बॉबजी नहीं, बॉबजी से मिलता जुलता एक और लफ्ज है बॉस, समझ रहे हो ना तुम, आगे तुम खुद लगा लो DI,
ये इस चीज का किंग है। बाबर आजम ने 50 स्कोर, अबे 50 जो बाबर आजम ने ये रावलपिंडी के पिच के ऊपर की है ना, इसी पिच के ऊपर नवीन उल हक अफगानिस्तान के बॉलर है, उन्होंने भी छक्का मारा है। ये जो रमन पॉवेल है उन्होंने भी छक्के मारे हैं, साई मयूब ने मारा है, हसीबुल्ला ने मारा है, मोहम्मद हारिस ने मारा है। तुम लोग को लग रहा है कि बॉब जीदा किंग ने कोई कमाल किया है, और कितने छक्के मारे हैं बॉब जीदा किंग ने? एक छक्का मारा है टोटल, एक छक्का 50 रन की इनिंग के अंदर। शुभमन गिल ने 100 किया, 100 में कितने छक्के मारे? 5 छक्के। 5 छक्के नहीं, वो बहुत बड़ी लानत थी, वो 5 छक्के नहीं थे। एक बंदा 100 कर रहा है वो भी टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और वहां पर वो 5 छक्के मार रहा है, और बॉब जीदा किंग 50 रन में सिर्फ एक छक्का मार रहा है, वो भी उससे किस्मत से लग गया, वरना उसका वो छक्का भी नहीं लगना था। अजीबोगरीब तुम लोगों ने बनाया हुआ है कि भाई बॉब जीदा किंग। अबे भाई रोहित शर्मा के 3 छक्के, आज जो टेस्ट मैच हुआ है इंडिया का उसमें इंडिया ने करीब मेरे ख्याल से कोई 13 छक्के मारे हैं, नहीं 13 नहीं एक्चुअली 14 छक्के मारे हैं टीम इंडिया ने। और यहां पर इनको लग रहा है कि जो बॉब जीदा किंग ने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेल दी है, इसने बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया, बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है, मेरे घंटे की अचीवमेंट हासिल की है यहां पर बॉब जीदा किंग ने। 50 की है तो भाई अगर 50 करेगा तो इसका काम है करना, इसने कोई एहसान नहीं किया हमारे ऊपर। पिशावर जलमी ने इसको वहां पर रोटी खाने के लिए नहीं रखा, रन बनाने के लिए रखा हुआ है, और ये अपना अगर काम कर रहा है तो भाई ठीक है, मुबारक हो, इसको अपने घर भी ले जाओ, इसको अपने साथ भी रखो, इसको अपने परिवार में भी ले जाओ, जो कर रहे हैं इसके साथ करो, मेरे को टैग करना बंद करो, क्योंकि भाई मैं घंटों को फॉलो नहीं करता, मैं घंटों की बैटिंग नहीं देखता हूं। अब जब देखता था तब मुझे लगता था कि दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन ही यही है, लेकिन अब जब मैंने हकीकत देखी है, रियलिटी उठा के देखी कि भाई असल में इसने किसके खिलाफ सेंचुरी की है, किसके खिलाफ रन का है, तो भाई शर्मिंदगी होती है, सोचकर शर्मिंदगी होती है कि मैं किसका फैन बना हुआ था। मैं विराट कोहली के खिलाफ तुम लोग मुकाबला करने आते हैं कि विराट कोहली ने क्या किया, रोहित ने क्या किया, गिल ने क्या किया, आज पता चल गया क्या किया उसने, डबल 100। भाई आसान नहीं होता, एक ने सेंचुरी की, दूसरे ने भी सेंचुरी की, छक्के वो भी टेस्ट क्रिकेट में, आसान नहीं होता, तुम लोग करके दिखा दो मुझे। खैर दिमाग खराब हो रहा है मेरा, ऐसा नहीं मुंह से कुछ उल्टा फुलटा लफ्ज निकल जाए। अगर तो आप लोग मेरी बातों से अग्री करते हो तो भाई चैनल सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी दबाओ ताकि आपको मजीद भी इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल पर देखने को मिलती रहे। बाबर आजम के फैंस आई लव यू, और विराट कोहली के फैंस आई लव यू टू, लेकिन बाबर आजम के फैंस इतनी गुजारिश है भाई मेरा तुम लोगों से कोई पर्सनल झगड़ा नहीं है, ठीक है ना, एक नजरिए का झगड़ा है। तुम लोग बॉब जीदा किंग को जो है वो मानते हो एक बहुत अच्छा क्रिकेटर, या बॉब जीदा किंग को तुम लोग जो है बहुत बड़ा किंग समझते हो, मैं समझता हूँ कि वो सिलिकॉन का किंग है, प्लास्टिक का किंग है, दैट्स ऑल ओके। असली किंग सिर्फ विराट कोहली है, ये हम सब जानते हैं। बाकी अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो भाई लगी हो ना, अभी मैं क्या करूँ, चलो ठीक है, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।